हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है पनीर लबाबदार। आपने पनीर काफ़ी खाया होगा, काफ़ी रेसिपीज़ आपने ट्राई करी होंगी। बाकी पनीर लबाबदार इस तरीके से आप बनाना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम ज़रूर करें, मेरी इस वीडियो पर जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे होगा ये, मेरी जितने भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं, चार टमाटर लिए हैं, छः से सात लहसुन की कलियाँ लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। दोस्तों, टमाटर यहाँ पर हाइब्रिड वाले आप लें, क्योंकि अगर आपने देसी टमाटर लिए तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो ग्रेवी है वो भी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी और जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप हाइब्रिड वाले टमाटरों का यूज़ करें यहाँ पर। दूसरी तरफ दोस्तों, अब बारी आती है प्याज की। तो प्याज को हमने बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक, जैसा आप देख रहे हैं। पहले इस तरह से हम स्लाइस में दोनों तरफ से इसमें कट लगा लेंगे और बिल्कुल फाइनली इसको चॉप करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमको इनको चॉप करना है, अनियन को, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब बारी आती है कुछ खड़े मसालों की। तो यहाँ पर मैंने तीन सूखी लाल मिर्च ली हैं, चार से पांच लौंग ली हैं, चार हरी इलायची ली है, एक टुकड़ा छोटा दालचीनी का लिया है, कुछ काजू लिए हैं और एक तेज़पत्ता लिया है। अब दोस्तों, रेसिपी का बेस बनाने के लिए हमको बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हम लेंगे सबसे पहले पैन, और पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी लगभग आधा लीटर के आसपास आप ले लो, थोड़ा कम भी ले सकते हो। और ये जितने भी खड़े मसाले थे, ये खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। और जितने हमारे पास टमाटर थे, टमाटर, लहसुन और अदरक थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें अभी आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक क्या है, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। और इस पर ढक्कन रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इनको उबाल लेंगे। 10 मिनट के बाद ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो टमाटर हैं उसके ऊपर जो छिलका है वो बिल्कुल अलग हो गया है और सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब थोड़ा ठंडा करके हम पानी को छान लेंगे और इसमें टमाटर को हम अलग निकाल लेंगे, टमाटर और सारी चीज़ों को, और काजू को एक कटोरी में निकाल के हम साइड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों का पेस्ट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, पानी को जो है फेंकना नहीं है, पानी जो है यहाँ हमारी जो ग्रेवी है उसको थिक करने में हमारी मदद करेगा, तो पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है। सभी चीज़ों को जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब बारी आती है पाउडर मसालों की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, उसके बाद छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर लाल मिर्च हमने थोड़ी सी कमी डाली है, क्योंकि हमने लाल सूखी मिर्च का भी यूज़ करा है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि उस टाइम जब हमने चीज़ों को उबाला था तो उसमें भी हमने आधा चम्मच नमक डाला था। और एंड में आधा चम्मच जीरा पाउडर इसमें हम डालेंगे। दोस्तों, कढ़ाई जो है वो यहाँ गर्म हो चुकी है और यहाँ पर मैंने 100 ml के आसपास देसी घी का यूज़ करा है। आप वैसे किसी भी ऑयल में आप इसको बना सकते हैं। और जितनी भी हमारे पास चॉप प्याज थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलर जो है इनका जब तक भूरा ना हो जाए, इनको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है, क्योंकि जो प्याज का जो जो मिठास है वही ग्रेवी के अंदर आएगी और वही टेस्ट को जो है इन्हेंस करेगी। और दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो प्याज का कलर था वो चेंज हो चुका है, हल्का हल्का भूरा हो चुका है। इतना ही हमें करना है, ये आप देख सकते हैं। और इसी स्टेज पर हमारे जितने भी मैंने पाउडर मसाले बनाए थे उन पाउडर मसालों को इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इनको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से भुनेंगे
और भूनने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे आधा ग्लास के आसपास। इससे होगा ये अब जो प्याज है वो पानी में अपने आप गल जाएगी। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का उबाल आ गया पानी में और यहाँ पर प्याज भी जो है गलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की सॉफ्ट होकर गलनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर प्याज अपने आप। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमने जो पेस्ट बनाकर रख रखा था सभी चीज़ों का, उस पेस्ट को जो हमारा बचा हुआ पानी का स्टॉक था उस पेस्ट को उसमें मिला देंगे और उन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम कढ़ाई में पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं और कढ़ाई में पलटने के बाद इनको अच्छी तरह से हम स्टर कर लेंगे ठीक इस तरह से। दोस्तों 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और 10 मिनट के बाद जो हमने काजू का पेस्ट बनाकर तैयार कर रखा था वो पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों उबाल आ चुका है और अब इसको 5 मिनट के लिए हम दोस्तों इसको ढककर पकाएंगे और 5 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हो जो ग्रेवी थी वो दोस्तों हमारी बनकर तैयार है। यहाँ पर इसको हल्का सा टेस्ट करेंगे और मिठास के लिए यहाँ पर आधा चम्मच समथिंग इसमें शुगर हम डालेंगे ताकि जो हमारी जो ग्रेवी की जो खटास है वो बैलेंस रहे और जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए। बस इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे और दोस्तों इसी स्टेज पर अब जो हमने पनीर के जो टुकड़े हमने काट कर रख रखे थे वो पनीर के क्यूब्स हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से स्टर कर देंगे ताकि पनीर जो है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और दोस्तों इसको 5 मिनट के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है और 5 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों जो पनीर लबाबदार है वो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। हल्का सा स्टर करेंगे और एंड में इसमें एक काम और करेंगे, इसमें कसूरी मेथी हाथ से मसल कर इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से स्टर कर देंगे ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो रेसिपी में आ जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा पनीर लबाबदार है वो बनकर तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे और डालेंगे थोड़े अदरक के लच्छे और साथ में फ्रेश क्रीम। और दोस्तों हमारी जो यहाँ पनीर लबाबदार की जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी जो ये रेसिपी है वो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।